हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास 8। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 17.4 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है वेरिफिकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, कौन सी चीज़ें 2 से डिवाइड हो जाती हैं, कौन सी चीज़ें 3 से डिवाइड होती हैं, कौन सी चीज़ें 4 से डिवाइड होती है ना। जब छोटी होती हैं हमारी यूनिट्स जो हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स हमारे जब छोटे होते हैं तो हम इजीली उसको जान जाते हैं कि ये किसके नंबर्स में आएंगी। लेकिन जब आपको 1000, 100, 1000, 10000 ये सब का जब दिया जाए तो क्या होगा, उसको जानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो किससे जो है डिवाइड होंगी, है ना। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें, कौन से डिजिट जो है 2 से डिवाइड होते हैं उसके लिए देखिए यहाँ पे। इफ़ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर्स हैज़ 0, 2, 4, 6 and 8 देन दिस नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जिसके वंस में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो ईजिली डिवाइड हो जाता है 2 से, है ना। मैं इसको आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आप ये सब जो है क्लास 6-7 में पढ़ते आ रहे हो ना, आप क्लास 8 के बच्चे हो, तो मैं आपको बस एक हिंट दे देती हूँ ताकि आप एक बार उसको रिवाइज कर ले, है ना। ये सिर्फ आपके रिवाइज के लिए है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ जैसे 2 का डिविजिबल कैसे हो सकता है जब उसके वंस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है, इसी तरीके से 3 वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी 3 की कैसे हो सकती है। तो जब हम जो हमको नंबर्स दिए गए होते हैं ना, अगर हमको 3, 5 दिया गया, तो जब हम इस 35 दिया है तो हम इसको ऐड करके देखते हैं ना। जब हम ऐड करके देखते हैं तो हमको मिलता है 3, 9, है ना, जो 3 के टेबल पे आते हैं। अगर वो मिलता है तो वो 3 से डिवाइड होती है, अगर नहीं मिलता है तो नहीं होती है। ठीक है, 6 से कैसे डिवाइड होती है, तो जो 2 या 3 से सेपरेटली दोनों नंबर से जब डिवाइड होती है तो वो 6 से भी डिवाइड होती है। ठीक है, उसी तरीके से 9 है, 9 को क्या करते हैं, सेम जैसा हम 3 का निकालते हैं ठीक उसी तरीके से हम 9 का भी निकालते हैं, उसको हम सबको ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। 5 को अगर 0 और 5 होता है डिजिट में तो वो 5 से मल्टीप्लाई होती है, सॉरी डिवाइडेड होती है। इसी तरीके से आपको सबको पढ़ लेना है 10, है ना, वेरिफिकेशन विजिबिलिटी बाई 4, बाई 8, बाई 7 कैसे होता है, बाई 11, तो ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़ लोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ये एक्सरसाइज 17.4 दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वेरीफाई द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 आर नॉट। ठीक है, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं वो 2 से डिवाइडेड हैं या नहीं है, कौन से नंबर 2 से डिवाइडेड हैं और कौन से नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं है। इसके वंस में 1 है तो ये 2 से डिवाइडेड नहीं है, 9 है इसमें ये भी नहीं है, इसमें 7 है ये भी नहीं है, तो डिवाइड आपके कौन कौन से होंगे 2 से, 2, 5, 2 and 4, 3, 6। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें डिवाइड होंगी, कौन सी चीज़ें डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, वेरीफाई द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 आर नॉट। 3 से होता है कि नहीं, तो इसको आप काउंट करके देखना, प्लस करके देखना है ना, 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू क्या आता है। तो अगर वो आता है 9, 3 के टेबल में तो वो 3 से होगा, अगर वो नहीं आता है तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, विच द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। तो आपको पता है 0 और 5 रहता है जब यूनिट्स में तो क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, और नहीं होता है तो नहीं होते हैं। जैसे ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है आपका 5 से जो है डिवाइड होंगी, है ना। तो इसी तरीके से आपको उसको पढ़ लेना है। और ये जो है चैप्टर देखिए ख़त्म हो गया यहाँ पे। विच द गिवन 4 नंबर दिया है, विच द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो इसको आपको किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन इज डिविजिबिलिटी बाय क्या क्या बताया गया, 2, 3, 6, 9, 5, 10, 4, 8, 7 and 11। तो आपको यहाँ पे ओनली 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट इसमें से आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपका लाइफ टाइम काम आएगा, तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे डिविजिबिलिटी लगती हैं अपने में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू, ये आप कंप्लीट करिएगा और इसको आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा। ओके, थैंक यू।